तो दोस्तों, मुझे पता है बहुत दिन से वन पीस वाली मांगा नहीं आई है, उसके लिए मुझे माफ़ करना। इसीलिए आज मैंने सोचा इसका पार्ट टू बना ही देते हैं, क्योंकि इसके पार्ट वन पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो गाइस, जिसे नहीं पता इस मांगा के बारे में, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसमें हमारा गोकू वन पीस के वर्ल्ड में चला जाता है, और वहाँ वो क्या करता है उसके लिए तुम्हें इस मांगा का पार्ट वन देखना होगा। अगर अब तक किसने इस मांगा का पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले वो देखना, वरना तुमको आज वाला पार्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा। उसके पार्ट वन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो पहले वो देखना। तो अब दोस्तों, बहुत हो गई बातें, अब जाते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। देखो यार, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गोकू सबको ऑलमोस्ट हरा ही देता है, और वो उसोप से बातें कर रहा होता है। उतने में ही जोरो अचानक उठ जाता है और अपनी तीनों तलवार गोकू पर रखकर कहता है, हिलने की तो सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर डालूंगा। तो अब दोस्तों आगे, तो देखो यार, गोकू यहाँ कहता है कि हो क्या रहा है, मैं तो इसे देख भी नहीं पाया, क्या रफ्तार है इसकी। यहाँ गोकू कुछ करने ही वाला होता है तो जोरो उसे कहता है, मैंने कहा ना हिलो मत। उसके बाद दोस्तों गोकू मन में सोचता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये मेरी स्किन को काट दे, तो फिर चिंता की तो कोई बात नहीं। तो गोकू ये सोचकर अपनी बॉडी मूव करता है, तो जोरो सीधा गोकू के गले पर तलवार घुसेड़ देता है। तो गोकू जोर से चिल्लाता है। यहाँ जोरो उसे कहता है, इतनी ताकत होने के बावजूद भी तुम्हें काटा जा सकता है। अब दोस्तों गोकू कहता है, यकीन नहीं हो रहा, अगर ये मेरी स्किन को एक तलवार से ही काट सकता है, अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मैं फ्राइज की तरह टुकड़ों में कट जाऊंगा। अब गोकू यहाँ भड़क जाता है और कहता है, ठीक है फिर। गोकू चिल्ला कर रेज में आता है, जिससे शिप पूरा हिल जाता है और उसोप तो किधर उड़कर गिर जाता। तो गाइस, ये सब हो जाने के बाद गोकू मन में कहता है, एक तो गया और दूसरा कहाँ चला गया। ठीक है गोकू, फोकस करो अपने आप पर, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया, क्योंकि मेरी नज़र सिर्फ एक पल के लिए हटी और वो एकदम गायब सा हो गया। वो दुश्मन काफी ताकतवर और काफी तेज है, मैं इसे वापस होने नहीं दे सकता और मैं उसे वापस खो भी नहीं सकता। यहाँ दोस्तों अचानक पीछे से जोरो की आवाज आती है, पकड़ लिया। जोरो गोकू को उड़ते हुए सीधा एक हेडबट देता है, उसके बाद गोकू सीधा गायब हो जाता है। तो जोरो कहता है, वो चला गया जैसे कि वो गायब हो गया। गोकू सीधा जोरो के सामने आकर उसे एक मुक्का ही धर देता है, पर यहाँ जोरो को कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता। वो गोकू को कहता है, तुम बहुत सी अजीब टेक्निक्स भी इस्तेमाल करते हो, सो मैं भी। जोरो भी अपनी टेक्निक्स गोकू पर यूज करता है, पर गोकू सब डॉच कर लेता है और जोरो से लड़ता है। दोनों ही एक दूसरे को लड़ाई में टफ दे रहे होते हैं। अब जोरो गोकू को कहता है, तुम इससे अब नहीं बच पाओगे। जैसे जोरो मारने ही जाता है तो गोकू पीछे आ जाता है, तो जोरो कहता है, वो फिर से गायब हो गया। गोकू उसके पीछे आ जाता है और कहता है, क्या तुमने कहा कि मैं इससे बच नहीं पाऊंगा। अब दोस्तों अचानक सांजी गोकू को एक जबरदस्त किक मारता है और कहता है, हाँ उसने सही कहा। अब गोकू उठता है और कहता है, तुम लोग काफी जिद्दी हो, पर तुम लोग फिर भी मुझे नहीं हरा पाओगे। अब यहाँ जोरो कहता है, फ्रैंकी कहाँ मर गया है, उसे तो यहाँ अब तक पूरा कोला का माल ला देना चाहिए था। तो सांजे कहता है, चिंता नहीं करो, वो पहले से ही यही है। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज में फ्रैंकी गोकू के पीछे से आकर अपना स्पेशल अटैक मारता है, कूप डी वेंट, जिससे गोकू हवे में उड़ जाता है। और फ्रैंकी कहता है, यकीन नहीं हो रहा कि वो इस हमले से भी बच गया। यहाँ सांजी बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो हार गया। तो जोरो कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर इतना ही आसान होता तब तुम उसे काट कर सेक रहा होता। तो फ्रैंकी कहता है, क्या तुम सीरियस हो, और ये क्या, अगर ये इतना ही आसान होता तो साला तुम कहना क्या चाहते हो। यहाँ जोरो कहता है, आप तैयार हो जाओ। अब गोकू यहाँ बच जाता है और कहता है, ये मेरी ही गलती है कि मैं इन्हें कम समझ बैठा,
इन लोग के पास तो यार खतरनाक अजीब सी टेक्निक्स है, मुझे अब अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ही करनी होगी। अब दोस्तों वो सब चिल्ला कर कहता है, वो हमारी तरफ आ रहा है, सब तैयार हो जाओ। इधर नेक्स्ट पेज में दूसरी तरफ लूफी को रास्ता नहीं मिल रहा होता है और वो परेशान हो रहा होता है, तो चिल्ला कर कहता है, ये आइलैंड इतना बड़ा क्यों है? और यहाँ शिप पर गोकू लैंड करता है तो सब घबरा गए होते हैं। तो यहाँ गोकू कहता है, तो गाइस सुनो, मुझे बहुत ज़रूरी ट्रेनिंग करनी है जिससे मैं सेंस को हरा सकूं, और मुझे अपना बेस्ट देना होगा जिससे मैं और ताकतवर बनूं। तो गोकू अब सीधा फ्रैंकी के मुंह के ऊपर की ब्लास्ट करने का पोज करता है, तो फ्रैंकी बोलता है, अब क्या करने वाला है ये? उसब चिल्ला कर कहता है, हट जाओ फ्रैंकी। गोकू सीधा की ब्लास्ट करता है फ्रैंकी के मुंह पर, और फ्रैंकी की हालत तो यार एकदम बेहाल हो जाती है। ये देखकर पूरा स्ट्रॉ हैट पायरेट क्रू गोकू पर चढ़ जाता है, पर गोकू सबको मारता है और सांजी को तो हवे में उड़ा देता है। उसके बाद जोरो आता है, जोरो से भी गोकू बहुत लड़ता है और उसे भी एक जोरदार किक देता है। उतने में ही लूफी आ जाता है कि यहाँ हो क्या रहा है। तो अब दोस्तों इसी के साथ साथ इसका पार्ट टू भी यही खत्म होता है। इसका पार्ट थ्री बहुत जल्द आएगा, तो वेट जरूर करना। तो अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, अरिगातो गुज़ाइमासु।